मेरे प्यारे दोस्तों, केआरके ने ट्वीट करके संदीप सिंह को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। ये संदीप सिंह तो वैसे ही पहले से जनता की नजरों में पूरी तरह से एक्सपोज था ही, और अब रही सही कसर केआरके ने भी पूरी कर दी है। इस बारे में मैं आप सबको बताता हूँ, लेकिन उससे ही पहले आज की डेट में हर एक शख्स केआरके को जानता होगा, और अगर कोई नहीं भी जानता होगा तो सलमान खान और इसके बीच हुए झगड़े के बाद हर किसी को भली भांति पता चल चुका होगा कि केआरके हैं कौन। दरअसल आजकल सलमान खान और अन्य बॉलीवुड स्टार्स को बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पर केआरके द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। वैसे तो ऐसा करने का उनका बहुत पुराना शौक है, लेकिन हाल ही में सलमान खान ने जो इनके ऊपर 90 लाख का डिफेमेशन केस किया है, उसी के बाद से केआरके पूरी तरह से उग्र हो चुके हैं और खुलकर इन सभी बॉलीवुडियंस के ऊपर ताबड़तोड़ शब्दों के बाण मार रहे हैं। और कुछ ही दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि केआरके सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी हर आए दिन बातें कर रहे हैं, ट्वीट्स दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में केआरके ने संदीप सिंह का फिर से एक बार भांडा फोड़ कर दिया है। संदीप सिंह को कम्प्लीटली एक्सपोज करते हुए केआरके ने अपने ट्वीट में बता दिया है कि संदीप सिंह टोल्ड मी दैट ही वोंट गेट एनीथिंग बाय सपोर्टिंग सुशांत सिंह। ही हैज टू स्टे इन बॉलीवुड, सो ही हैज टू सपोर्ट बॉलीवुड। ही वॉज 100% राइट। नाउ ही हैज गॉट फाइनेंसर एंड डायरेक्टर महेश मांजरेकर टू डायरेक्ट हिज नेक्स्ट फिल्म। बॉलीवुड में रहना है तो सपोर्ट करना ही होगा। केआरके बताते हैं कि संदीप सिंह ने उन्हें बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करके इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे बॉलीवुड में अगर रहना है तो बॉलीवुड को सपोर्ट भी करना होगा। केआरके लिखते हैं कि संदीप सिंह 100% सही था, तभी तो उसे उसकी अगली फिल्म के लिए फाइनेंसर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर के रूप में मिल गया, जो उसकी फिल्म को डायरेक्ट करेगा। मतलब साफ सा है कि अगर बॉलीवुड में रहना है तो सपोर्ट तो करना होगा। तो दोस्तों, यही है वो संदीप सिंह जो कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, और ये 14 जून 2020 के दिन कैसे आउट ऑफ नोवेयर जमीन फाड़ कर निकल जाता है, माउंट ब्लैंक पहुंच जाता है, सारी चीजों को मैनेज करता है, ये सब भी आप सबने देखा। मतलब अगर यही सारी बातें केआरके बोल सकता है, इन सारे राजों से केआरके पर्दा उठा सकता है, तो फिर हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्योंकि ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर एडवोकेट विकास सिंह जी ने सिद्धार्थ पिठानी के लिए बहुत ही पहले बोल दिया था कि ही इज अ ड्यूबियस कैरेक्टर एंड अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिमिनल। तो फिर इसे इतने लंबे समय के बाद क्यों पकड़ा गया? एजेंसीज को अगर इस केस को सॉल्व करना है तो अपनी पूरी पूरी निष्ठा से काम करना होगा, खाना पूर्ति करके और आंखों में धूल झोंकने से यह केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में बहुत जल्द और एक नए अपडेट के साथ।